ऐसे भी मैडम अजय आलोक अपने ऊपर कार्रवाई हो के बाद जो थैंक यू लिखे है ना ट्विटरवा पे, इससे तो यह लगता है कि पार्टी को उनसे और उनको पार्टी से मुक्ति चाहिए था। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में, मैं हूं आसिया। जेडीयू ने अपने प्रदेश प्रवक्ता अजय आलोक सहित कुछ अन्य नेताओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। अजय आलोक और नेताओं पर कार्रवाई क्यों हुई ये समझाने के लिए हमारे साथ है वो जिनको समझ कितनी है ये समझने के लिए रिसर्च कर रहे हैं हमारे रिसर्चर। अब तो आप समझ गए होंगे, हमारे साथ हैं उस्ताद ऑफ बतक्कड़ लाल बुझक्कर। क्यों जी लाल बुझक्कर, ठीक कहा ना? मैडम आपसे अलग हट के हम कह दें कि ना ठीक नहीं कही हैं आप, तो क्या पता हमको भी आप स्टूडियो से निलंबित कर दें। सो फॉर सिटिंग इन द स्टूडियो हम कह देते हैं आप एकदम में ठीक बोली हैं। मैडम अब आप सलमान भाई जैसन एक बार बोल दीजिए तो आप सेफ हैं, ताकि हमारे जान में जान आए। आप सेफ है लाल बुझक्कर? अंग्रेजी में बोले तो थैंकू गॉड जी, लाइफ में लाइफ कमिंग, अर्थात धन्यवाद भगवान जी, जान में जान आया। अरे लाल बुझक्कर जी, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं भी होते तब भी आप सेफ ही रहते। पर मैडम उतर नहीं ना रहे सेफ, जौना पार्टी में इतना दिन से एग्जिस्ट कर रहे थे वहां से एग्जिट का बिगुल बज गया। मैडम किनके बारे में बातें कर रहे हैं आप? आज से पहले आप कहती थी, आज हम कह दे रहे हैं। मुद्दे पर आइए मैडम जी, मुद्दे पर। काबू जी सब समझ रही हूँ, आप अजय आलोक और अन्य नेताओं पर जेडीयू की कार्रवाई की बातें कर रहे हैं। एक बात तो कहेंगे मैडम। क्या? हमारे संगति का बहुत फायदा हुआ है आपको, अब आप तुरंत समझ जाती हैं। जानती है मैडम, जब जब भी आप हमसे मिलती हैं ना, तब तब आपको कम से कम एक बार हमको थैंक यू जरूर कहना चाहिए। चाहिए तो शुरुआत आप अभी से कर सकती हैं। फिर बकवास करने लगे ना आप, ऐसी बकवास करेंगे तो बाहर निकाल दूंगी आपको। यह होता है मैडम, अभी थोड़का देर पहले आप क्या बोली? आप बोली कि मेरे मन के लायक नहीं भी बोलिएगा तो बाहर नहीं निकालूंगी, और अभी कह रही है कि बाहर निकाल दूंगी। This is not fair, madam. आदमी confused हो जाता है, बिल्कुल है उनकी तरह। और आपकी बकवास से मेरा कान फ्यूज हो जाता है, उसका क्या? चलिए ये सब छोड़िए, ये बताइए अपने तेज तर्रार प्रवक्ता अजय आलोक पर जेडीयू ने कार्रवाई क्यों की? मतलब हो सकता है उनको, माने पार्टी वाला लोग सबके लगा हो कि तेज तर्रार प्रवक्ता तनी बेसिये तेज चल रहे हैं, स्पीड लिमिट में नहीं है। और मैडम ये भी हो सकता है कि पार्टी को लगा हो कि तेज चलते चलते ये ट्रैक भी चेंज कर सकते हैं, सो चेन खींच देने में ही समझदारी है। काबू जी मैडम, इशारा तो आपका समझ रही हूँ। आपके इस बात पे हमारे अकल का घोड़ा तबड़क तू करते हुए निकला मैडम, और आके हमारे कान में कुछ कहा, और उजे कहा वही कहा कि हो सकता है जैसे आप हमारा इशारा समझ रही हैं वैसे ही जेडीयू वाले भी अजय आलोक का इशारा समझ गए हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह से अजय आलोक की नजदीकी भी उन पर कार्रवाई का एक कारण हो सकती है। माने ललन जी भर से आरसीपी जी, तीर भर से तीर जी। ये से मैडम श्रीमान अमिताभ बच्चन जी एक बार कहे थे, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। हाँ। अब यहाँ इस बात का क्या मतलब? ऐसे भी बिना मतलब की बातें मत क्या कीजिए लाल बुझक्कर। माने आप कहना चाह रही हम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें, कहे कि मतलब ही बात उन्हें होता है मैडम। मुद्दे पर रहिए ना, देखिए जब आप किसी पार्टी में होते हैं आपको पार्टी लाइन फॉलो करना ही पड़ता है, पार्टी में अनुशासन का पालन तो करना होगा ना। अब मैडम जे आदमी अनुशासन का पालन नहीं करता है उसका क्या होता है पार्टी में मैडम? उस पर पार्टी कार्रवाई करती है। समझ गए मैडम? क्या समझे लाल बुझक्कर? ये मैडम कि पार्टी में अनुशासन ये से बनाया जाता है, ताकि अगर किसी को पार्टी से बाहर जाने का मन हो
तो वो पूरा मन से पार्टी के अनुशासन को पेड़ से पकल आम जैसन तोड़ डाले। पार्टी वाला अपने उसको बाहर का रास्ता दिखा देवेंगे और वो सज्जन इस्तीफा लिखे के मेहनत से बच जाएंगे। जब भी सोचेगा ना लाल बुझाकर उल्टा ही सोचेगा। सीधा सोचे वाला का आजकल गुजारा कहाँ है मैडम। ऐसे भी मैडम अजय आलोक अपने ऊपर कार्रवाई हो के बाद जो थैंक यू लिखे है ना ट्विटरवा पे, इससे तो यह लगता है कि पार्टी को उनसे और उनको पार्टी से मुक्ति चाहिए था। ऐसा आपको क्यों लगा? यह से मैडम कहे कि अजय आलोक जी चहचहाए कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको पढ़ सुन के लग नहीं रहा है मैडम कि उनको ये बात का अफसोस है कि पार्टी पहले कार्रवाई काहे नहीं किया। पर मैडम हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये कार्रवाई का इतना इंतजार था उनको तो अपने से ही रिजाइन का डिजाइन बना के सिग्नेचर करके दे काहे नहीं दिए। ठीक बोल रहे हैं ना मैडम हम? आपकी बातें समझ आए तब तो ठीक, क्या गलत बोलूं। फिलहाल तो अजय आलोक सहित कुछ अन्य नेताओं पर जेडीयू ने जो कार्रवाई की है उसे देखकर तो लग रहा है कि ये पार्टी के अंदरूनी विवाद का साइड इफेक्ट है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी मुझे और लाल बुछकर को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज बाय स्कोप के साथ। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप तमाम खबरें देख सकते हैं।